हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा दिल टूट उठ चुका हूँ। मतलब कि अभी टाइम हुआ है 6:30, मतलब हमारी जल्दी है। वैसे नॉर्मली मैं 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं, तो आज मैं जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि अपने साथ जो भाई रहते हैं नकुल, अपने वही कुछ अच्छा से ही है, वो भी सेक्टर 8 में महिला थाने के पास, उनका पेट्रोल पंप है। ठीक है, तो आज उनकी जो है अम्बेसी में, अपना यही पुर्तगाल अम्बेसी में पीसी की डेट है, तो हमको वहां जाना है। 10:30 बजे की टाइमिंग है, हमको पहुंचना है वहां पे। तो इसलिए हम डांस थोड़ा जल्दी उठ चुका हूँ और वो भी उठ चुके हैं, तो अभी वो नहा रहे हैं। तो बस मैं भी अभी थोड़ी देर में बस नहा लोगे, हम होते तैयार और फिर निकलते हैं। तो अगर किसी ने पीसीसी की मतलब उसकी डेट वगैरह कैसे उठानी है, जो भी है कुछ भी जानना हो, ठीक है, वैसे कहाँ पे है कुछ भी जानना हो, जो भी मेरे भाई पुर्तगाल में रह के कुछ वीडियो दे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी जानना हो इसके बारे में कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कैसे जो भी पीसी के बारे में, वैसे कहाँ पे है, कितनी दूर है, कैसे जाना है, लोकेशन कहाँ पे है, कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकता है। तो अभी फिलहाल मैं होते हैं, मैं भी होता था यार। तो मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद, जब निकलेंगे घर से। हेलो गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपना पीसीसी की डेट जो हमारी है। आज हम जा रहे हैं हम सीधा अम्बेसी की तरफ। यहाँ से जाएंगे बाय बस, उसके बाद बाय शिप, फिर आगे देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग टैक्सी वगैरह उबर वगैरह करेंगे। फिर अगर टाइम हुआ तो बस में, नहीं तो फिर टैक्सी करके जाएंगे, जैसे भी होगा बताएंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे, बस स्टॉप अपना, हाँ बस तो आई अभी है और मिलते हैं एंट्री भी। आपको आगे, मतलब तो सफर दिखाएंगे आपको। चलते हैं भाई जी अपने। गाइस, हम उतर चुके हैं अपना बस में से, और बस में से उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं अपना स्टेशन की तरफ सीट में बैठने के लिए। तो मिलते हैं आपको सीट में बैठने के बाद, ठीक है, दिखाते हैं आपको सफ़र। पानी बहुत कम है आज ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा है। तो भाई हम आ चुके हैं अपना शिप से बाहर और शिप स्टेशन से भी बाहर। यहाँ से हम जाएंगे हम बाय बस, देखते हैं बस कहाँ खड़ी है। आगे आगे हम इस टाइम आ चुके हैं बस स्टॉप पे, ये अपना बस स्टॉप, फिर देखते हैं कहाँ से हमारी बस है, मैप पे चेक करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको सीधा वहीं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपना स्टॉप पे, पीछे जो रेड बोर्ड लगा हुआ है ये बस स्टॉप ही अपना, और ये मंदिर ही अंदर की तरफ आए थोड़ा सा, ये अपने बस की लोकेशन है। भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी हम कर रहे हैं बस की वेट, तो दिखाते हैं आपको सफ़र, बने रहना वीडियो में। हमारी बस भी अभी नहीं, दूसरी बस है ये आ रही है, अपनी नहीं है, मे भी इसके पीछे एक और आ रही है, क्या तो वो तो देखते हैं। नहीं, ये 760 है पिछले वाली, ये तो नहीं है पिछले वाली, देखते हैं कौन सी है। 728 नंबर है अपनी वाली बस, तो जो भी होगा दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम उतर चुके हैं अपना बस में से, और हम जा रहे हैं पैदल पैदल अम्बेसी की तरफ। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है पैदल पैदल का। अरे भाई जी आगे आगे, ज़्यादा दूर नहीं है अम्बेसी, सामने ही है। मतलब जो लोग खड़े हैं ये अम्बेसी के बाहर ही खड़े हैं, अम्बेसी यही है, लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। तो मिलते हैं आपको ना थोड़ी देर में।
तो गाइज मैं निकल चुका हूँ अपना वहाँ से एम्बेसी में से, मतलब बाहर से खड़े थे अभी हम। तो भाई को याद आया कि इनके डॉक्यूमेंट की जो है फोटोकॉपी नहीं है, तो अभी हमको फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। तो मैं जा रहा हूँ फोटोकॉपी के लिए ही। देखते हैं अभी कितनी दूर है यहाँ से। बहुत से बंदे बैठे थे बाहर इंडियन, उनसे उनमें से एक से पूछा है, एक चाय बेच रहा था तो उनसे पूछा है, तो वो कह रहे हैं इधर नीचे जाके, या मतलब इधर सामने जो बिल्डिंग है इसके आसपास कह रहे थे। बाकी अब जाके पता चलेगा कहाँ है तो दिखाते हैं आपको, अगर पता चले मुझे भी। आसपास देखते हैं कहीं पता लगे फोटोकॉपी की दुकान किस साइड में मिलेगी, पूछ लेते हैं एक बार उनसे। तो गाइस मैंने दुकान पता करके, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे पूछा एक दो से, तो उन्होंने बताया फोटो कॉपी की दुकान का। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने फ़ोटो कॉपियाँ निकलवा ली हैं, ठीक है। अपने इंडियन भाई थे, मतलब इंडियन भाइयों की शॉप है वो ना, तो उन्हीं के पास से निकलवा के लाया हूँ अभी। तो बस अभी निकल ही रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, 10:06 हो चुके हैं और बाइक की जो टाइमिंग है 10:30 की है, तो उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं जल्दी आ जा, क्योंकि थोड़ी सी दूर आया हूँ मैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब किलोमीटर का एरिया है, किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस मैं जा रहा हूँ वापस, तो मिलता हूँ आपको उन्हीं के पास जाके। तो गाइस ये ना अपना यहाँ पे सारे भाई लाइन में लगे हुए हैं, एक ही मतलब 10:30 बजे की टाइमिंग है, ये सारे लाइन में लगे हुए हैं। ये अपने भाई भी लगे हुए हैं सामने, बाकी ये पीछे अपने एक भाई जिनसे वो मिले हैं वो यूपी के हैं, से बात हो जाती हमारी। और ये अपना इंडियन फ्लैग सैल्यूट। तो अपने भाई अंदर जा चुके हैं, ठीक है। बाकी और यहाँ अभी पब्लिक खड़ी है, मतलब बहुत आ रखी हैं, किन्हीं कुछ की, मतलब सबके अलग अलग अपॉइंटमेंट है, किसी की बीजी की है, किसी की पासपोर्ट से रिलेटेड है, किसी की काम से रिलेटेड है, मतलब जो कुछ भी है उसके अपने अपने अलग अलग अपॉइंटमेंट है, किसी ना किसी कारण से आ रखे हैं यहाँ पे। तो मैं तो बाहर बैठा हूँ, तो देखते हैं अभी जब वो आएंगे तो मिलवाते हैं उनसे। बाकी एक चीज़ है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, सबको इंग्लिश आती है, जब मैंने उनसे पूछा था तो सबको इंग्लिश आती थी। बाकी ये है एक स्टेडियम टाइप है, नहीं दिख पा रहा होगा, स्टेडियम है एक यहाँ पे, मतलब ये जैसे अपने साइडों में होती है चेयर वगैरह वो चीज़ें, ये बीच में सेंटर में है स्टेडियम सा, ऊपर नहीं दिख पा रहा। तो गाइस अपना भाई जी आ चुके हैं अपना वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट रख लिए अपने बैग में, हम बस से बाहर आ चुके हैं ये। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल, हमने जाना है ओरिएंट, नहीं ओरिएंट नहीं, ओदी वैलेस, यहाँ से वहाँ पे अपना एक दिल्ली वाला की शॉप है जहाँ हम कुछ दिन पहले गए थे, मैं और करण गए थे वहाँ से, आपने देखा दीवे वगैरह लेके आए थे, तो हम हमको वहीं जाना। और देखते हैं भाई या तो उबर में जाएंगे या बस में, सीधा वहीं पर ही दिल्ली वाला शॉप पे। तो मिलते हैं आपको ना उबर में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, तो दिखाते हैं आपको सफर, नींद चढ़ रही है इसको। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपना टैक्सी में, अब हम जा रहे हैं यहाँ सीधा अपना दिल्ली वाला शॉप पे ही, मोदी पैलेस। तो दिखाते हैं आपको सफर, ये ड्राइवर साहब, मैं क्या आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो गाइस हम उतर चुके हैं टैक्सी में से, हम जा रहे हैं अपना दुकान पे।
गाइस हम आ चुके हैं अपना दुकान के अंदर, ये दिल्ली वाला ओटी वाले में है, ईट वाला के नाम से। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अपने इंडियन स्वीट्स, चमचम वगैरह, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, जलेबी बिस्कुट, रसगुल्ले, मतलब सब कुछ है। जलेबी वगैरह भी इनके पास, बर्फियाँ होगी, मिल्क केक वगैरह, बाकी अपने इंडियन की जैसे नमकीन वगैरह होगी, सब कुछ है इनके पास। और भी मतलब अपने इंडियन चीज़ें बहुत कुछ है, जैसे लेकिन हैं सोन पापड़ियाँ, ठीक है, किसानों की सोन पापड़ियाँ, और ये ठंडे बेकरी बिस्कुट हो गए, इधर अपना ये डीजे वगैरह होते हो, और ये वगैरह सब कुछ है। मतलब कुछ जगह थालियाँ, मतलब इंडियन जो चीज़ें होती है ना, इंडियन इनके पास। तो चलो भाई अब हम खा लेते हैं समोसा, तो मिलते हैं समोसा खाने के बाद। भाई जी तो गाइस बाकी यहाँ पे और अंदर जाके और भी सामान पड़े जाते अपने इंडियन बिस्कुट हो गए, लेज वगैरह, चिप्स वगैरह, अपना ये सॉस होगी, ये अपना देसी घी और अचार वगैरह हो गए, मसाले हो गए, सब कुछ है। बिस्कुट्स इनमें जैसे अचार हैं, इनमें जैसे उबले हुए छोले वगैरह हैं, अलग अलग मसाले हैं, चूरन टाइप जैसे हो जाते हैं। बाकी इधर अपने चावल वगैरह, चावल आटा, ठीक है ना। बाकी इनमें अभी क्या बड़े बड़े फ्रोटे पड़े हैं इनमें, बस सेकने अगर जाके कुछ नहीं करना। बाकी इधर अपने ये और भी मतलब मसाले टाइप, मसाले, दालें, वो सब कुछ है इसमें। और इधर अपने नमकीनें पड़ी हैं, ये अपने बेकरी के बिस्कुट, मठियाँ, बाकी अपने द्वारा स्वीट्स ही आ गई हैं, स्वीट्स हैं सारी। पर यहाँ थल्ले तो भाई हमने लिया कुछ सामान, आप लोगों ने देखा ही अभी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, मतलब बाय मेट्रो हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। देखे भाई ने सामान, क्या बस मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, आगे बना रहा है क्या बनानी है। तो गाइस सिप में से उतरने के बाद अब हम आ चुके हैं कम्बोई स्टेशन पे, हम यहाँ से जाएंगे बाय कम्बोई, क्योंकि कम्बोई ने लगाने हैं 6 मिनट और फिर आगे हमको लगने हैं
10 मिनट के आसपास पैदल पैदल, तो हम इसलिए कुंभई में जा रहे हैं। तो भाई सब हम बैठ चुके हैं अपना कम्बोई में और हम मिलेंगे आपको सीधा घर पहुंच गए। आपको दिखाते हैं सफर। तो भाई सब उतर चुके हैं अपना कम्बोई में से और अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ पैदल पैदल। ये मिल के एक और काजू कतली। ओके भाई यार अपना आगे। तो तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना घर पे, बैठ चुके हैं। अब करते हैं थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और फिर करते हैं रेस्ट। तो आज के लिए अपना इतना था। बाकी अगर किसी ने जानना हो एम्बेसी के बारे में, कुछ लोकेशन वगैरह, किसी ने पीसी की डेट वगैरह उठानी हो, जैसे भी है कुछ भी जानो तो कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो बताना कैसी लगी। तो आज के लिए अपना इतना था। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नई लोकेशन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।